गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर वी आर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 14, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं? क्वाड्रिलेटरल्स आर दोज फिगर्स विच हैव फोर साइड्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कर्व? कर्व कैन बी अ सिंपल क्लोज्ड ओपन और अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। यू कैन सी इन द फिगर। सो फर्स्ट इज सिंपल कर्व। सिंपल कर्व क्या होते हैं? बिल्कुल सिंपल, लाइक दिस। देन क्लोज कर्व। क्लोज मीन्स कोई क्लोज फिगर, फॉर एग्जाम्पल ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल एटसेट्रा। ओपन कर्व क्या होते हैं? जिनका ज्वाइनिंग पॉइंट ना हो कोई भी, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ ओपन कर्व। देन सिंपल क्लोज कर्व, दैट इज सिंपल क्लोज कर्व। दीज आर कर्व्स। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ फिगर्स। फर्स्ट इज ट्राइंगल। ट्राइंगल में हमें पता है कितनी साइड्स होती है, नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है? 3। क्वाड्रिलेटरल में कितनी होती है? नंबर ऑफ साइड्स 4 होती है। देन क्वाड्रिलेटरल के बाद आता है पेंटागन। पेंटागन में 5, हेक्सागन में 6 साइड्स होती है, हेप्टागन में 7, ऑक्टागन में 8, नोनागन में 9, डेकागन में 10। और 10 से अबव आ जाते हैं, अभी हमारे सिलेबस में कितने हैं? डेकागन 10 साइड्स तक। तो जैसे जैसे साइड्स इंक्रीज होती जाती है, वैसे ही उनके सम ऑफ इंटीरियर एंगल भी क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। जैसे ट्राइंगल के तीन एंगल्स होते हैं, तो तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। और क्वाड्रिलेटरल के कितने एंगल होते हैं? 4 एंगल। और 4 एंगल्स का सम कितना होता है? 360। ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल का तो हमें पता है, लेकिन अब आगे साइड्स इंक्रीज होती जाएंगी, उनके नाम चेंज होते जाएंगे, पेंटागन, हेक्सागन, डेकागन। तो आपको नेम याद होने चाहिए। पेंटागन 5 का होता है, हेक्सा मीन 6 होता है, हेप्टा मीन 7, ओक्टा मीन्स 8, नोना मीन्स 9, डेका मीन्स 10। एंगल्स आपको याद करने की नीड नहीं है कि उनके ऑल एंगल्स का सम कितना होता है। जितनी साइड्स होती है, ओक्टा में 8 साइड्स है तो 8 ही एंगल होते हैं, नोना में 9 साइड्स होती है तो 9 ही एंगल होते हैं। अब सम ऑफ इंटीरियर एंगल हम कैसे याद करेंगे? तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला करना पड़ेगा, एन, कि जितनी भी साइड्स है, एन माइनस 2 मल्टीप्लाई 180। फॉर एग्जाम्पल 10 साइड है, तो 10 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180, हमारे एंगल्स का सम निकल आएगा। 4 साइड्स है, 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180, 360 आ जाएगा। तो हम सभी एंगल्स याद करने की नीड नहीं है, हमें एक फॉर्मूला लर्न करेंगे, एन माइनस 2 मल्टीप्लाई 180। अब उसके बाद है रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन आर दोज पॉलीगन विच हैव ऑल साइड्स आर एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। जिसकी सभी साइड्स और सभी एंगल्स इक्वल होते हैं, दैट इज रेगुलर पॉलीगन। फॉर एग्जाम्पल इक्विलेटरल ट्राइंगल और स्क्वायर। देन इरेगुलर पॉलीगन, जिसकी ऑल साइड्स और ऑल एंगल्स इक्वल नहीं होते, दैट इज इरेगुलर पॉलीगन। फॉर एग्जाम्पल क्वाड्रिलेटरल कुछ भी हो सकती है, कोई भी साइड्स हो सकती है, कितने कोई भी एंगल हो सकता है। नाउ एक्सरसाइज 14.1, फर्स्ट सम है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स आर सिंपल क्लोज्ड फिगर। क्लोज फिगर फाइंड आउट करनी है हमें, क्लोज फिगर कौन सी है? तो सिंपल क्लोज्ड, क्लोज मीन्स क्लोज हो, ए क्लोज है, बी भी क्लोज है, सी भी क्लोज फिगर है, डी भी क्लोज है और ई भी क्लोज फिगर है। सो ए बी सी डी ई सभी क्लोज्ड है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फिगर्स आर पॉलीगन। पॉलीगन्स कौन सी होती है? जिन पर एंगल्स बन सकते हैं, तो इस पर एंगल्स बन सकते हैं, दैट इज पॉलीगन। बी में भी एंगल बन सकते हैं, सी में भी एंगल बन सकते हैं, पर डी फिगर में कोई एंगल नहीं बन सकते, यहां से एक सिलेंडर की शेप आ रही है। सो ए बी एंड सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट विल बी द एंगल सम ऑफ अ कन्वेक्स पॉलीगन। एक पॉलीगन के एंगल सम फाइंड आउट करना, मीन्स ऑल एंगल्स का सम फाइंड आउट करना है विद 11 साइड्स। साइड्स कितनी है? 11। तो हमें उसके सम ऑफ ऑल एंगल्स फाइंड आउट करने की कितना होगा, तो 11 साइड्स का कितना होगा, हम वो फॉर्मूले से अप्लाई करेंगे अपना। सो थर्ड का फर्स्ट पार्ट, नंबर ऑफ साइड्स कितने गिवन है? 11। तो एंगल सम ऑफ पॉलीगन का फॉर्मूला क्या होता है? एन माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। अभी हमने किया था ये फॉर्मूला, एन क्या है? नंबर ऑफ साइड्स मीन्स 11 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180, 9 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, दैट इज 1620 डिग्री। तो पॉलीगन के ऑल एंगल्स का सम कितना होगा, जिसकी 11 साइड्स है, 11 साइड्स वाले एंगल का सम कितना होगा? 1620 डिग्री। सिमिलर यू कैन डू बी पार्ट, एन क्या हो जाएगा बी पार्ट में? 16 हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4,
If the angles of a triangle are in a ratio 2:3:4, triangles के तीन angles होते हैं, तो तीनों angle की ratio given है 2:3:4, find the angles, हमें angles find out करने, so let angle of the angles of the triangle, पहले ratio में given थे, तो हमने क्या let कर लिए, angles क्या है triangle की, 2x, 3x and 4x, हमें पता है angle के, triangle की तीन angle होते हैं, और तीनों angle का sum कितना होता है, 180 degree, sum of all angles of triangle is 180 degree, so 2x plus 3x plus 4x is equal to 180 degree, 2 plus 3 5, 5 plus 4 9, 9x is equal to 180 degree, x को यहीं पर रहने देंगे, 9 को right side, तो right side आएगा तो 9 divide होनी हो जाएगा, 9 से divide के तो x की value आगी 20 degree, अब x की value हम ऊपर put कर देंगे angles में, 2, 20 में, x put करेंगे 20 में, 2 20 जा 40 degree, then 320 is a 60 degree, 420 is a 80 degree. That is question number 4. Now question number 5. In an isoscale triangle, the vertical angle is 40 degree. Find the other two angles of the triangle. Isoscale triangle ka kya hoti hai? Where two sides are equal. Three sides mein se two sides equal hoti hai. Aur two sides equal hoti hai, unke two angles bhi equal hoti hai. Aur ek angle 40 degree given hai. To hume other two angles nikaal. So, In an isoscale triangle, एक isoscale triangle है, isoscale में two sides equal होती है, तो AB, AC के equal होगी, two sides equal होती है, तो उन पर बनने वाले two angles भी equal होएंगे, angle B is equal to angle C, so angle 1, vertical angle given है 40 degree, तो other two angle equal है, हमारे B और C equal है, हमें पता है triangle के तीनों angle का sum कितना होता है, 180 degree, A plus B plus C is equal to 180 degree, एंगल ए 40 डिग्री है एंगल बी नहीं पता हमें एंगल सी क्या है एंगल सी बी की इक्वल है तो एंगल बी पुट कर दिया हमने यहां पे 180 बी प्लस बी 1 प्लस 1 बी 2 भी हो जाएगा 40 राइट साइड ले गए तो माइनस हो जाएगा 140 हो जाएगा 2 को राइट साइड ले आए तो डिवाइड हो जाएगा 2 से डिवाइड किया 70 डिग्री तो एंगल बी आ गया 70 एंगल बी 70 है तो बी सी की इक्वल है तो सी भी कितना हो जाएगा 70 डिग्री नाउ क्वेश्चन नंबर 6 In question 6, draw a rough diagram to show open curve or close curve. एक rough diagram draw करो, एक open curve का, एक close curve का. So, हम कोई भी rough curve show, draw कर सकते हैं. मैंने draw किया है open curve का half circle और close curve का full circle. कोई भी rough diagram हम draw कर सकते हैं. Now, question number 7. Now, question number 7. In triangle GAM, GAM, if 3 angle G is equal to 4 angle A is equal to 6 angle M, then find all the angle. हमें एक equation given है, हमें ये तीनों angle find out करने, angle J, angle A और angle M. So, एक triangle है JAM. In triangle JAM, हमें ये equation given है, 3 angle J is equal to 4 angle A is equal to 6 angle M. तो हमें ये दोनों angle इस angle के equal है, किसी equation में. तो सबसे पहले हम एंगल M को X लेट कर ले अगर एंगल M X है तो फर्स्ट इन दो एंगल्स को पिक करेंगे 4 एंगल A is equal to 6 एंगल M इन दोनों को पिक किया M की वैल्यू क्या है X X पुट की तो 4A is equal to 6X आ गया 4 को राइट साइड लाएंगे तो एंगल A कितना आ जाएगा 6X by में 4 अब एंगल M भी आ गया एंगल A भी आ गया हमारे पास X में अब फर्स्ट टू एंगल्स को पिक करेंगे 3j is equal to 4a 3j is equal to 4a a की वैल्यू अभी आई है हमारे पास यहां पे पुट कर देंगे तो हमने पुट की 4 into 6x by 4 4 से 4 कट गया 3 को राइट साइड ले आए 3 से कट कर दिया 2 पे 2x तो एंगल j कितना आ गया 2x अब हमारे पास x वेरिएबल में एंगल m भी है एंगल a भी है एंगल j भी है तो तीनों एंगल का सम कितना होता है ट्रायंगल के 180 तो तीनों एंगल की वैल्यू पुट की एंगल M क्या था X एंगल A है 6X by में 4 एंगल J आया है 2X तो तीनों एंगल की वैल्यू पुट की और LCM लिया यहां से LCM लिया तो कितना आ गया 8X plus 6X plus 4X इन तीनों का प्लस 18X 4 राइट साइड आके मल्टीप्लाई 180 मल्टीप्लाई 4 18 को राइट साइड ले आए डिवाइड 18 से कट किया तो 180 को 10 आ गया 10 4 जा 40 डिग्री X की वैल्यू आ गई 40 डिग्री जब x की वैल्यू आ गई है हमारे पास तो हम फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन में और j में पुट कर सकते हैं तो फर्स्ट एंगल है हमारा
एंगल एम, एंगल एम कितना है एक्स था, तो एंगल एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू 40 डिग्री आई है तो 40 डिग्री हो जाएगी। फिर एंगल ए की वैल्यू क्या होगी, 6/4 मल्टीप्लाई 40 डिग्री, 4 से 4 कट हो जाएगा, 6 से 10 60 डिग्री। फिर एंगल जे कितना हो जाएगा, एंगल जे 2x आया था तो 2 × 40 दैट इज 80 डिग्री। वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, तीनों एंगल का सम 180 होता है तो 80 + 60 = 140, 140 + 40 = 180 डिग्री। दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 एंड एक्सरसाइज 14.1 इज कंप्लीट। नाउ एक्सरसाइज 14.2, हियर टू प्रॉपर्टीज आर हियर, नोट डाउन दिस प्रॉपर्टी इन योर नोटबुक, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज 360। एक्सटीरियर एंगल्स, पहले हमने किया था कि इंटीरियर एंगल्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है, क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का सम 360 होता है, और पेंटागन का अलग होता है, हेक्सागन का अलग होता है। तो वहां पे हमने इंटीरियर एंगल को लर्न करने के लिए एक फॉर्मूला लर्न किया था कि n − 2 × 180 डिग्री, एन हमारी साइड्स होती थी, नंबर ऑफ साइड्स। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड्स इंक्रीज होती जाती थी, फिगर बड़ी होती जाती थी, वैसे ही हमारा नंबर सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता जाता था, इंक्रीज होता जाता था। तो वहां हम एक फॉर्मूले को लर्न किया था, पर यहाँ पर क्या है, अब हमारा एक्सटीरियर एंगल्स की बात है। एक्सटीरियर मीन्स बाहर का, कोई भी फिगर हो, एनी फिगर, पेंटागन, हेक्सागन, ट्रायंगल, डेकागन, एनी फिगर, सभी फिगर्स के एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री। सेकंड, सम ऑफ एंगल मेड ऑन अ स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन पर एंगल, कितने भी एंगल बने हो, उन सभी का सम कितना होता है, 180 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पर ये एंगल बने हैं, तो ये पूरा कितने का होता है, 180 का। सिंपल और सिमिलर, यहाँ पर एंगल कितने का होता है, 180 का, तो टोटल तो वैसे 360 का होता है, पर ये वाला एंगल पूरा कितने का होता है, 180 का। तो एंगल 1 + 2 + 3 = 180। नाउ एक्सरसाइज 14.2, क्वेश्चन नंबर 1, टू साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर, टू एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर 80 डिग्री एंड 135 डिग्री, द अदर टू एंगल्स आर इक्वल, देन फाइंड द अदर टू एंगल्स। यहाँ क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स की बात की गई है, एक्सटीरियर नहीं बोला गया। जब एक्सटीरियर बोला जाए तभी हम एक्सटीरियर एंगल लेंगे। एक्सटीरियर एंगल तो हर फिगर के 360 होता है सम, पर इंटीरियर क्या होते हैं, हर फिगर्स का डिफरेंट होता है, और क्वाड्रिलेटरल का कितना होता है, इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री। सो फर्स्ट सम, टू एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 80 डिग्री एंड 135, अदर टू एंगल्स आर इक्वल, सो थर्ड एंगल एक्स लेट कर लिया, थर्ड एक्स है तो फोर्थ भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, तो फोर एंगल्स का सम क्या होगा, 80 + 135 + x + x = 360। 80 + 135 = 215, x + x = 260। 215 को राइट साइड ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, 360 - 215 = 145। 2 को राइट साइड लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 72.5 डिग्री। एंगल 3 72.5, एंगल 4 भी 72.5। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, द फोर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन रेशियो 3:4:5:6। फोर एंगल्स की रेशियो गिवन है क्वाड्रिलेटरल्स के, तो हमें एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। सो फोर एंगल्स की रेशियो गिवन थी, हमने एंगल्स क्या लेट कर लिए क्वाड्रिलेटरल के, फोर एंगल्स 3x, 4x, 5x एंड 6x। हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल्स के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 360, तो 3x + 4x + 5x + 6x = 360। इनका सम कितना आ गया, 18x = 360। 18 को राइट साइड ले आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, x = 360/18, कितने पे कट हुआ, 20 पे, तो x की वैल्यू 20 आ गई। चार एंगल्स है हमारे, इन फोर एंगल्स में पुट करेंगे, फर्स्ट एंगल था 3x, 3 × 20 = 60, सेकेंड 4x, 4 × 20 = 80, 5x, 5 × 20 = 100, देन फोर्थ 6x, 6 × 20 = 120 डिग्री। वेरिफिकेशन के लिए हम चारों का प्लस कर सकते हैं, चारों का प्लस अगर 360 डिग्री आता है, 360 आता है तो हमारा क्वेश्चन सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इन थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द एक्स इन ईच फिगर। हमें एक फिगर गिवन है, ए बी सी, थ्री पार्ट गिवन है इसमें। फर्स्ट फिगर में एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें एंगल्स दिख रहे हैं,
यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल्स की बात हो रही है, एंगल ए एक्सटीरियर बाहर की ओर बना हुआ है, सिमिलर एंगल बी भी बाहर की ओर बना हुआ है, एंगल सी बाहर की ओर बना हुआ है, एक्सटीरियर एंगल। तो तीन एंगल गिवन है हमें यहाँ पे फर्स्ट फिगर में, ए बी और सी। एंगल ए 90 है, सी 150 है, एंगल बी एक्स है। अभी हमने एक थ्योरम रीड की थी कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज 360। तो एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल सी इज इक्वल टू में 360। सो अकॉर्डिंग टू थ्योरम सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज 360। तो एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू में 360। ए और सी 150 दिए है, तो 150 राइट साइड में ले जाके हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। तो एंगल एक्स क्या आ गया हमारा, मीन्स एंगल बी 120 डिग्री। देन बी पार्ट, फर्स्ट फिगर में हमें थ्री एंगल्स गिवन थे, अब सेकंड फिगर में कितने एंगल गिवन है, एंगल क्यू 80, एंगल आर एक्स, एंगल एस 130, एंगल पी 70। पहले थ्री एंगल्स गिवन थे, अब फोर एंगल गिवन है। प्रॉपर्टी सेम लगाएंगे कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज 360। सो बी पार्ट में अब चार एंगल आ गए हमारे पास, प्रॉपर्टी सेम रहेगी कि ऑल एंगल का सम 360 होता है। तो एंगल पी 70, क्यू 80, आर एक्स और एस 130, तो इनका सम करके राइट साइड ले जाएंगे, 280 माइनस हो जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80 डिग्री। सिमिलर यू कैन डू थर्ड सी पार्ट ऑफ क्वेश्चन थ्री, वहां हमें फाइव एंगल्स गिवन है, बस चार की जगह फाइव एंगल्स का सम आ जाएगा। फाइव, थ्री एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन रेशियो 4:5:6। क्वाड्रिलेटरल के फोर एंगल्स होते हैं लेकिन थ्री की रेशियो गिवन है 4, 5 and 6। द सम ऑफ लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट एंगल इज 160 डिग्री। जो सबसे स्मॉलेस्ट एंगल है और सबसे ग्रेटेस्ट एंगल है, इन दोनों का सम कितना गिवन है 160 डिग्री। फाइंड द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, फोर एंगल्स फाइंड आउट करने। सो पहले एंगल की रेशियो गिवन थी थ्री एंगल्स की, तो हमने क्या लेट किया, लेट थ्री एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आर 4x, 5x and 6x। देन हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री, मींस एंगल सम प्रॉपर्टी हमने लिख दिया। तो फर्स्ट एंगल 4x है, सेकंड 5x है, थर्ड 6x है, फोर्थ हमें पता नहीं अभी क्या है, तो 360 डिग्री। 4 + 5 = 9 + 6 = 15x + 4 = 360 डिग्री। अब इसको हमने इक्वेशन वन लेट कर लिया। एक हमें गिवन है कि लीस्ट और ग्रेटेस्ट एंगल, लीस्ट है 4x, ग्रेटेस्ट है 6x, इन दोनों एंगल का सम है 160 डिग्री। 4x + 6x इज 160 डिग्री गिवन। तो 4 + 6 कितना हो गया 10x इज इक्वल टू में 160। यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई 16 डिग्री। अगर हम x की वैल्यू इस फर्स्ट इक्वेशन में x पे पुट कर दे तो एंगल 4 आ जाएगा हमने हमारा। तो हमने पुट x इन इक्वेशन x 1, तो 1 में पुट की यहां पर 16, 15 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो एंगल 4 कितना आ गया 360 - 240, एंगल 4 आ गया 120 डिग्री। एंगल 4 120 आ गया, x की वैल्यू 16 डिग्री है, तो x की वैल्यू हम फर्स्ट थ्री एंगल्स में पुट कर सकते हैं। 4x, 4 × 16 = 64, 5 × 16 = 80 डिग्री, 6 × 16 = 96 डिग्री। एंगल 4 आ गया था 123 यहाँ है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आर 80 डिग्री एंड 120। एडजेसेंट क्या होता है, पास वाले। एक क्वाड्रिलेटर के दो एंगल 80 और 120 गिवन है, द अदर टू एंगल्स आर इक्वल, तो अदर टू इक्वल है तो फाइंड देम। टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर 80 डिग्री एंड 120, अदर टू एंगल्स आर इक्वल, सो एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल गिवन है। हमने एंगल 3 को x लेट कर लिया, तो चारों एंगल का सम कितना होता है क्वाड्रिलेटर के 360। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर इज 360। 80 + 120 + x + x = 360, 200 आ गया, x + x 2x 360। 200 को राइट साइड लाएंगे, माइनस करेंगे 160 आ जाएगा, 2 को राइट साइड में डिवाइड में हो जाएगा, 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 80। x की वैल्यू 80 आ गई। एंगल 3 और एंगल 4 में पुट करेंगे, एंगल 3 भी 80, एंगल 4 भी 80। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड एक्स एंड वाई इन द गिवन फिगर। हमें 7 क्वेश्चन में एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक फिगर गिवन है ए बी सी डी, एक तो क्वाड्रिलेटर में है, एंगल ए 110, एंगल डी 85, एंगल सी 60 और एंगल बी एक्स है। तो हमें क्वाड्रिलेटर के 3 एंगल गिवन है, तो फोर्थ एंगल बी हम फाइंड आउट कर लेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के, कि 4 एंगल्स का सम 360 होता है, तो 360 में से तीनों एंगल को लेस कर देंगे, एंगल बी मींस एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब वाई की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, 60 डिग्री और वाई,
ये लीनियर पेयर पे बने हैं, लीनियर पेयर पे बने हैं मीन स्ट्रेट लाइन पर बने हैं, तो इनका सम कितना होगा 60 प्लस वाई 180 डिग्री, तो वाई की वैल्यू 180 माइनस 60 हो जाएगी तो वाई आ जाएगा। सो 60 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू में 180 डिग्री लीनियर पेयर, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर बने हैं तो वाई कितना आ जाएगा 180 माइनस 60 मीन्स 120 डिग्री। देन इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी फोर एंगल्स का सम कितना है 360, 180 प्लस एक्स प्लस 60 प्लस 85 इज इक्वल टू में 360, तो x क्या हो जाएगा 360 माइनस 255 मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई 105। अब जो क्वाड्रिलेटरल में चार एंगल ऐड हुए वो y ऐड नहीं होगा क्योंकि y एक एक्सटीरियर एंगल है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 एंड एक्सरसाइज 14.2। थैंक यू।